Hello students, we are learning chapter number 4, chapter number 6 and we are at exercise 6.3. So, let me start the exercise 6.3, question number 1. I am reading the instruction. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following number? Okay, so what is written? See here, total 4 numbers are given. And the question is, we just have to find the last digit of square root of this. इस नंबर का जो square root निकलेगा, पूरा square root नहीं निकालना है. वो जो भी होगा, उसका सिर्फ हमें last digit ही बताना है कि इसका square root निकलेगा तो last digit या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, क्या होगा? ठीक है? तो ये है question कि last digit जो है वो क्या हो सकता है? तो उसके लिए हमें ये याद रखना है क्या 1 to 10 का स्क्वायर. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में मैंने बताया था 2 और 8 को ले लो, 1 और 9 को ले लो. ये वाली पेयर्स बताई थी मैंने जिनके लास्ट वाले डिजिट्स इक्वल रहेंगे और 5 जो है वहां पर 25 मिलेगा. लास्ट के दो डिजिट 5 के लिए 25 हो जाएंगे. 4 एंड 6 के लिए वो डिजिट होगा 6. 3 एंड 7 के लिए वो डिजिट होगा 9. 2 एंड 8 के लिए वो डिजिट होगा 4. 1 एंड 9 के लिए वो डिजिट होगा 1. कौन सा डिजिट? इसके स्क्वायर का डिजिट बोल रही हूं. तो रिवर्स भी तो सोचा जा सकता है ना. मैं ये बोल रही हूँ अगर लास्ट में 2 है तो स्क्वायर जो करोगे तो 4 मिलेगा. तो रिवर्स में सोचो, अगर लास्ट में 4 है तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो या तो 2 मिलेगा या तो 8 मिलेगा. रिवर्स सोचना है. ठीक है, मैं ये बोलती हूँ कि अगर लास्ट में 3 है तो उसके स्क्वायर में हमें 9 ही मिलेगा. आप 13 को ले लो, उसका स्क्वायर है 169. देखो लास्ट में 9 ही है. तो उल्टा बोलो, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 9 है और मुझे उसका रूट निकालना है तो रिवर्स प्रोसीजर करना. अगर लास्ट में 9 है और आपको रूट निकालना है तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा लास्ट में. तो ये हमारा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं उसके स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट हमें बताना. तो ये देखो, विच इज व्हाट इज द नंबर ओवर हियर, 1. लास्ट में कौन सा नंबर है? 1. तो यहाँ पर देख कर बताओ, अगर 1 लास्ट में हो तो स्क्वायर रूट में या तो लास्ट में 1 होगा या तो 9. तो इसका आंसर हो गया आइदर 1 और 9. उसी तरह से सेकंड में लास्ट में 6 है, आगे का नंबर जो भी हो हमें पूरा स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं है. ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट ही बताना है तो पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये देखो, ये 6 है तो यहाँ पर आ जाओ. 6 हमें कब मिलेगा? या तो लास्ट में 4 हो या तो 6. ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो लास्ट प्लेस में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा. दोनों में से ही, मतलब या तो 14 होगा या तो 16 होगा या तो 24 होगा या तो 26 होगा या तो 34 होगा या तो 36 होगा, इस तरह से. ठीक है, आगे चलो. 1 है तो ये इसके जैसा ही है. 1 होगा तो हम क्या लिखेंगे? या तो 1 होगा और 9. अब लास्ट में 5 है तो हमारे पास 6 ही है, 5 का तो 5 ही रहने वाला है. और एक बात, क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा है कि सिर्फ 1 डिजिट, लास्ट वाला डिजिट ही बताना है. तो हम ओवर स्मार्ट होकर यहाँ पर 25 में लिखेंगे. भले हमें पता हो कि 2 डिजिट फिक्स रहेंगे 25, फिर भी हमें पूछा गया है एक ही डिजिट के बारे में तो हम एक ही डिजिट का आंसर देंगे, 5. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. अभी क्वेश्चन नंबर 2 की इंस्ट्रक्शन क्या है? विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब है कि कोई भी कैलकुलेशन किए बिना हमें ये बताना है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनमें 4 नंबर दिए हैं, कौन सा ऐसा नंबर है जो श्योरली कैसा है, कैसा है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो उसके लिए भी यही काम लगेगा. देखो, अगर कोई नंबर
परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट वाले डिजिट पे क्या क्या आएगा? देखो, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कभी भी किसी भी स्क्वायर में नहीं आएगा लास्ट पे? कोई भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर निकालो, तो लास्ट प्लेस में कौन से ऐसे डिजिट्स है जो कभी नहीं मिलेंगे? मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 से लेकर 10 तक के डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, देखो 0 मुझे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आएगा, तो 0 मुझे मिलेगा 1 प्लेस पे। 1 भी मिल रहा है, 1 कब मिल रहा है? या तो 1 या तो 9 के स्क्वायर में 1 मिलेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करूं तो मुझे 4 मिल रहा है, मतलब 4 आएगा तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। 5 भी मुझे मिल रहा है 5 के खुद के स्क्वायर में। उसके बाद 6 भी मुझे मिल रहा है यहाँ पर, या तो 4 पर या तो 6 पर। आगे चलो तो 9 हमें कब मिलने वाला है? यहाँ पर 3 या तो 7 के ऊपर 9 मिलेगा। तो ये जो नंबर्स छूट गए, ये ऐसे नंबर्स है जो कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं हो सकते। कोई भी नंबर उठा लो, 1 से लेकर कोई भी, 100 उठा लो, 1000 उठा लो, 11 उठा लो, 23, किसी का भी स्क्वायर निकालो तो लास्ट में कभी भी 2, 3 या 7, 8 नहीं होगा। तो हमें आंसर मिल गया, जो भी आपको नंबर्स दिए उसका लास्ट डिजिट चेक कर लो, अगर लास्ट में कहीं पर भी इन चारों में से कोई भी है तो बोल दो कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो मैंने वही किया है, देखो, नंबर्स हैविंग 2, 3, 7 एंड 8 एट वंस प्लस आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे 3 नंबर है आपके क्वेश्चंस में जो दिए हैं, उनमें से 3 नंबर ऐसे है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो फोर्थ वाला नंबर है उसमें लास्ट प्लेस पर 1 है, शायद वो नंबर है 441, यस 441। तो 441 है वो एक्चुअली 21 का स्क्वायर है, ठीक है, और लास्ट में 1 आ रहा है तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में 1 आया तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर मैं ये नंबर दे दूं कि 331 तो ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। मतलब कि लास्ट में 1 आने का ये मतलब मत निकालो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, वो हो सकता है, होने का चांसेस है, लेकिन अगर लास्ट में इन चारों में से कोई है तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन 3 के अंदर क्या करना है, 2 नंबर दिए है 100 एंड 169, आपको उनका स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली मेथड से, जो कि मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया है, ये मेथड एक्सप्लेन कर दी है मैंने। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके हमें ये फाइंड करना है कि 169 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। वैसे तो हमें पता है कि 13 ही होगा, 100 का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उस वाले वीडियो में, तो यहाँ पर वो मैं स्किप कर रही हूँ, आप खुद से कर लो या तो उस पुराना वीडियो देख लो। यहाँ पर 169 का ही मैं करवाऊंगी। तो देखो क्या करना है हमें, 1 से स्टार्ट करके सारे के सारे सक्सेसिव ओड नंबर्स को बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है। तो 169 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 168 मिला, अभी उसके बाद मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला, फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर 7 को, बारी बारी से सारे ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो लास्ट में मुझे यहाँ पर 0 मिल रहा है जब 25 में से 25 माइनस हो रहा है। तो हमें 0 आ जाए तब रुक जाना है और फिर काउंट करना है कि हमने ये सब्ट्रैक्शन कितनी बार किया, या तो फिर ये काउंट कर लो कि टोटल कितने ओड नंबर्स हमने लिए हैं। तो मैं तो ओड नंबर से काउंट करूंगी, देखो मैंने रेड कलर से राउंड भी बनाया है, सिर्फ ओड नंबर्स को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 ओड नंबर्स है जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मेरा गया आंसर 169 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो क्या होगा, 13, ठीक है। दोनों ही सेम होगी, या तो परफेक्ट, या तो आप ओड नंबर्स को काउंट करो या तो नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन को काउंट करो, दोनों 13 ही रहेंगे, ठीक है। 100 का खुद से कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने हैं टोटल 10 है,
और प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, फिफ्थ स्टैंडर्ड से वो स्टार्ट हुआ है आपके कोर्स में। फिफ्थ स्टैंडर्ड से आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हो, तो मैं ज्यादा डिटेल में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बताने वाली, क्योंकि आपको पता ही आप एट्थ में हो। जो भी नंबर है छोटे वाले नंबर से शुरू करके हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो लास्ट प्लेस पे अगर इवन है तो हम टू से ही स्टार्ट करेंगे, टू से इसको डिवाइड किया तो 2048 मिला। यहाँ पर भी इवन है, फिर से टू से डिवाइड किया तो 1024 मिला। यहाँ पर भी इवन नंबर आया, फिर से टू से किया, फिर से टू से किया, इस तरह से कबा कंटिन्यूसली डिविजन करते जाना है। कब तक करेंगे, लास्ट में वन आ जाना चाहिए, तब रुक जाओ, वन आ जाए उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो भी मिल रहा है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए हमें पेयर्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने पेयर्स बना दी है इक्वल प्राइम फैक्टर्स की, तो टू 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 टू, इस तरह से टू की पेयर्स कितनी बन रही है देखो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स ऐसी पेयर्स बन रही है टू की। तो वही लिखा है टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितनी बार, 6 बार, क्योंकि ऐसी 6 पेयर बन रही है यहाँ पर। तो फिर क्या करेंगे, सभी के पावर में 2 ही है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को कॉमन निकालो, और इन सारे 2s को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 64। तो ये जो भी क्वेश्चन था मेरा 4096 वो 64 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 64। अभी आगे चलते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं इस मेथड का। नेक्स्ट इज सेवेंथ सम 5929, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। ओके, हियर द लास्ट डिजिट इज 9, सो वी कैन नॉट यूज 2। ओके, सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 7। व्हाई? बिकॉज द नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। यू कैन अप्लाई दियर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, फिफ्थ स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब लास्ट प्लेस पे 9 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली 4, 5, 6 तो होंगे ही नहीं। अभी 7 के टेबल में ऐसा पॉसिबल है कि 9 आए, क्योंकि 7 7 49 हो रहा है, तो वहां पर कहीं पे 9 आएगा, मतलब 7 से हमें ट्राई करनी चाहिए। तो अगर 7 से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। फिर 11 का ये स्क्वायर है, तो ये जो पूरा नंबर है उसके लिए हमें पेयर्स क्या मिली, 7 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। तो फिर 7 × 11 होल स्क्वायर कर देंगे तो नंबर मुझे मिल गया 77। तो ये जो नंबर था 5929 या 77 का स्क्वायर है। अभी ये 7th वाला सम था, अभी लास्ट वाला ये 10th सम है, बाकी के सम्स आप खुद से ट्राई करोगे। 8100, तो वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है क्योंकि वो 90 का स्क्वायर है, 9 9 81 होगा। ठीक है, बट क्योंकि लास्ट में 0 है तो हम 2 से ट्राई करेंगे, 2 से ट्राई किया, फिर यहाँ पर देखोगे तो 5 आएगा, 5 है तो 2 हम नहीं लेंगे, 3 से करो, तो यहाँ तक 3 से होगा, उसके बाद 5 से होगा। ठीक है, तो पेयर्स जो बनाओगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये वाली पेयर मिलेगी। फिर पूरा का स्क्वायर करके इन दोनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा 90। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट, बाकी के सम्स खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया है, ठीक है, उसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, कुछ है जो मिसिंग है, जो भी मिसिंग है उस नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले तो वो मिसिंग नंबर हम फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर होगा जो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो नया नंबर हमें मिल रहा है
उसका क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड, जो भी नया नंबर हमें मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो दो ही क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पर करवाऊंगी, बाकी क्या आप खुद से करोगे, मेथड सेम ही है। सबसे पहले तो 252 पहला ही है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। तो फैक्टर्स मुझे इस तरह से मिल रहा है 2, 2, 3, 3 एंड 7। तो ध्यान से देखो, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर होता तो हमारे पास सभी फैक्टर्स की पेयर्स होती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 की पेयर बन रही है, 3 की पेयर बन रही है, लेकिन 7 की पेयर नहीं बन रही। मतलब एक 7 अगर और हो जाता तो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर बन जाता। तो क्या मिसिंग है ये पता चल गया हमें, यहाँ पर एक 7 मिसिंग है। अगर एक और 7 होता तो इसकी भी पेयर बन जाती और नंबर जो होता वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाता। तो वही हम करेंगे। तो सबसे पहला आंसर तो हमें मिल गया, देखो आंसर क्या है हमारा 7, मतलब कि वो नंबर मिला जो मिसिंग है, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए। आगे चलो, अभी न्यू नंबर हम बनाएंगे। न्यू नंबर मीन्स कि जो मिसिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले नंबर से, तो जो नया नंबर मिलेगा वो तो हमें पता ही है कि वो परफेक्ट स्क्वेयर होगा ही। तो अगर ये 252 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दू, देन आई विल गेट 1764। सो दिस नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड हाउ आई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अगर इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑलरेडी फैक्टर्स ये है, यही फैक्टर्स तो आने वाले है, सिर्फ एक 7 जो यहाँ पर कम था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स की पेयर यही बनेगी 2, 3 एंड 7 होल स्क्वायर, जस्ट मल्टीप्लाई देम। सो 2 × 3 × 7 करके मुझे मिल रहा है 42। तो ये जो नंबर है वो 42 का स्क्वायर है, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42। दिस विल बी द आंसर। वो एक सम हम लेते हैं जो कि फिफ्थ वाला है, 1458। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स। सो हियर आई फाइंड द फैक्टर्स, नाउ मेक द पेयर्स ऑफ फैक्टर्स। तो 3 की 3 की और 3 की, ये वाले 3 की पेयर्स बन गई है, ये जो ऊपर वाला 2 है उसकी पेयर नहीं बन रही। मतलब ये 2 जो है उसकी पेयर बनाने के लिए हमें एक और 2 अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर हमें मिला है 2, ठीक है, जो मिसिंग नंबर है वो है 2। तो अगर ये नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसका स्क्वायर हम निकाल पाएंगे। सो लेट वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विथ 2, सो विल गेट 2916। नाउ विच विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस न्यू नंबर, दिस ओनली, ओके, 2, 3, 3 एंड 3। सो 2 × 3 × 3 × 3 होल स्क्वायर। नाउ लेट वी मल्टीप्लाई दिस 4 नंबर, सो विल गेट 54। सो वी गॉट द आंसर, द स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इक्वल्स टू 54। तो इसी तरीके से आपको सारे सम्स क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व करने हैं। अभी क्वेश्चन 6 के 2 सम्स हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सिर्फ एक ही चेंज है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो भी नंबर यहाँ पर कम हो रहा था, मिस हो रहा था, वो हम मल्टीप्लाई करके इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे। फिफ्थ में क्या करना है, ये जो नंबर यहाँ पर अकेला रह रहा है, ठीक है, उसे निकाल दो तो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी एक और तरीका है, इसे निकाल दो। निकाल देने का मतलब है कि इस नंबर को उससे डिवाइड कर दो, जो नंबर है उसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगी तो 7 अंदर से निकल जाएगा, फिर यही दोनों रह जाएंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये भी एक तरीका है नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या है, देखो वही पूछा है कि बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो नंबर दिया है उस नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पर क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो मेथड सेम ही रहेगी, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की जगह पर हम डिविजन करेंगे। तो पहले तो जो भी नंबर्स है उसके फैक्टर्स निकालो।
तो यहाँ पर देखो फैक्टर्स निकाले तो 13 जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब इसकी पेयर नहीं बन रही। तो ये जो 13 है इससे अगर मैं पूरा नंबर डिवाइड कर दूं तो देखो यहाँ पर ये फैक्टर्स है, ठीक है। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगी तो होगा क्या, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो बच रहा है वही हमारे लिए न्यू नंबर होगा। और जो भी हमारा न्यू नंबर हुआ, जो भी हमारा न्यू नंबर होगा, ठीक है, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो न्यू नंबर मिल रहा है 225। अभी ये आपको करना नहीं है, यहाँ पर ये रफ पेज में करना है, ठीक है। तो ये हमें न्यू नंबर मिल गया डिवाइड करने से, फिर इसका स्क्वायर रूट मैंने निकाला तो आंसर आ रहा है 15। उसी तरीके से ये वाला सम देखो, ये वाला जो है वो 6 है, 1620, ठीक है। फैक्टर्स निकाले तो 5 जो है वो बच रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वो न्यू नंबर है उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 324 आएगा। न्यू नंबर को नहीं, सॉरी, जो ओरिजिनल है उसको 5 से डिवाइड करो तो न्यू नंबर मिलेगा 324। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर हो जाएगा 18। तो इसी तरह से बाकी के सम्स क्वेश्चन नंबर 6 के आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।